पो 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 ओ हाय एक्चुअली ऑनर वावे का सब ब्रांड है, रियलमी ओपो का सब ब्रांड है और पोको Xiaomi का सब ब्रांड है। भाई Xiaomi की तरफ से पोको नाम का एक सब ब्रांड बहुत जल्द आने वाला है ग्लोबली और इंडिया में भी। ये जो पोको सब ब्रांड है Xiaomi का, ये लीड किया जा रहा है जय मनी की तरफ से, और जय मनी 2014 में गूगल को छोड़ के Xiaomi को ज्वाइन किया था और यही है भाई सीईओ ऑफ पोको। तो चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं Xiaomi का ये सब ब्रांड पोको में क्या मिलता है आपको, यानी पोको का फास्ट फोन A1, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या होने वाला है और भारत में क्या आपको देखने को मिल जाएगा कब तक। तो ये सभी चीजें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बाय द वे मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करिए वीडियोटा तातारी। पिछले कुछ दिनों से र्यूमर आ रहा था भाई Xiaomi का एक सब ब्रांड आ रहा है पोको, पोको का F1 स्मार्टफोन। उसके बाद भाई जो धुलासा था वो गायब हो गया, यानी सच का सच और पानी का पानी हो गया, यानी YouTube में एक वीडियो लीक हो गया था भाई Xiaomi का पोको F1 आ रहा है और ये पोको F1 का अनबॉक्सिंग भी YouTube में मिल गया था। उसके बाद और भी खुलासा हो गया है, मनी ने इंडिया के ऊपर ट्विटर में भाई ये ट्वीट कर दिया है, हम पोको के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी आपको फ्लैगशिप फोन यानी स्मार्टफोन देखने को मिलेगा बहुत जल्द और ये होने वाला है हमारा सब ब्रांड पोको। और ये जो जय मनी है ये अलग से एक पोको का एक ट्विटर अकाउंट भी खोल दिया है और उसमें आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पोको F1 स्मार्टफोन का। तो ये जो पहला फोन है F1, इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो रिवील हो गया था YouTube में, आप जानते हो, और इसका स्पेसिफिकेशन भी आ गया है भाई, ये फोन फ्लैगशिप फोन होगा और ये डायरेक्ट कंपीट करता है भाई Honor Plus को। तो चलिए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। आपको पोको F1 में मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले। हाँ, आपको नॉच भी मिलेगा ऊपर में और ये नॉच बहुत ही बड़ा है, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है ये। 2.5D का कप ग्लास के साथ आपको ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन उतना खास नहीं है पर हाँ Xiaomi का जो हर एक फोन आता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको भाई एक ही एंगल में दो डुअल कैमरास मिलेगा, उसके नीचे आपको मिलेगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको एक डुअल टोन डुअल LED फ्लैश मिलता है, पोको का लोगो मिलता है। ये तो गया डिजाइन, अब बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी भी गजब का है, आपको यूनिबॉडी मेटल डिजाइन मिलता है पीछे में और सामने में ग्लास। तो देखते हैं किस तरह का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी हमें इंडिया में मिलता है। चलिए बात करते हैं अब रैम एंड रोम की। सुनने में ये आ रहा है पोको F1 दो वेरिएंट्स पे आएगा, 6GB रैम और 64GB रोम के साथ, और दूसरा 6GB रैम और 128GB की रोम के साथ। हाँ, अब ये अच्छा है कि आपको इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा जिसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। ये डुअल 4G वोल्टेज को सपोर्ट भी करता है। चलिए प्रोसेसर, भाई फ्लैगशिप फोन है, फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा वही भाई। आपको पोको F1 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है जो बहुत ही पावरफुल है, ये पावर टेक्नोलॉजी पे है ये, और आपको एड्रिनो 630 का GPU भी मिलता है भाई, बहुत अच्छा मेलबंधन है और भाई गजब का परफॉर्मेंस मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है भाई, आपको क्या लगता है ये जो परफॉर्मेंस है कैसा है भाई, Honor Play को क्या ये कंपीट कर सकता है? कमेंट्स आपका, उत्तर मेरा। चलिए बात अब करते हैं कैमरास की। भाई हर एक एंगल से आज अगर आप देखने जाओ हर एक फोन में आपको डुअल कैमरास दिया गया है भाई। पोको F1 में भी आपको दो कैमरास पीछे मिलेगा, एक 12 मेगापिक्सल का भाई प्राइमरी कैमरा है और इसमें यूज किया गया है 1.4 micron pixel साइज, और दूसरा जो है 5 मेगापिक्सल का। भाई मानिए ये जो दूसरा कैमरा है इसमें आपको मिल जाएगा सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी। और आपको और एक बात बता दें भाई, AI पावर्ड टेक्नोलॉजी पे है, यानी AI पावर्ड HDR मोड, AI पावर्ड ब्यूटिफिकेशन मोड और AI पावर्ड पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं सामने की कैमरा की तो आपको इसमें 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो मेरे हिसाब से गजब का देगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। भाई पोको
पोको F1 में आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है, गजब का बैटरी देगा। और हाँ, AI पावर्ड प्रोसेसर है ये, तो आपको काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगा। और इसमें USB टाइप सी तो आपको मिलेगा, और इसके साथ आपको क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट भी मिलेगा। पर रुकिए, Mi A2 की तरह 3.5 जैक यहाँ पे गायब नहीं है, 3.5 जैक यहाँ पे दिया गया है। अब है भाई सेंसर्स, आपको इस फोन में हर एक सेंसर मिल जाएगा, चाहे वो एम्बिएंट लाइट सेंसर हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, एक्सेलेरोमीटर सेंसर हो, गायरोस्कोप हो, ग्रेविटी सेंसर हो, सभी आपको मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे में, और आपको IR टेक्नोलॉजी पर फेस अनलॉक फीचर्स भी मिल जाएगा। बात रुकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, भाई इस फोन में आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.1 का सपोर्ट मिलेगा, उसके ऊपर एक चादर मिलेगा, सोना मत, क्योंकि ये चादर है इसका कस्टमाइजेशन के लिए। और इस कस्टमाइजेशन में आपको मिलेगा एज यूजुअल MIUI 9.5, और अपडेट भी आपको मिल जाएगा MIUI 10 का। तो गजब का है फोन, गजब का है, आने तो दीजिए साहब, उसके बाद देखूंगा। और अब जो क्वेश्चन अटकता है, भाई प्राइस क्या होगा? फ्लैगशिप फोन है, OnePlus को ये टक्कर देगा, भाई प्राइस 25,000 से 30,000 के आसपास होगा। और आपको आयर ब्लास्टर जरूर मिलेगा, Xiaomi का ब्रांड है ना ये, सब ब्रांड। और भाई 25,000 से 30,000 में अगर ये आता है, गजब का होगा। और एक बात आपको बता दे, कैमरा पे कुछ खास नहीं मिला, वही 12 और 5 मेगापिक्सल का। और एक बात आपको ये भी बता दे, कब ये आएगा, भाई मान के चलो सितंबर या अक्टूबर में ये आपको शायद देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे भी ये मानना है, तो आने दीजिए साहब। और भाई सभी फोन चाइना में फास्ट लॉन्च होता है Xiaomi की तरफ से, और जो टूटा फूटा घटिया सटिया फोन होता है वो भारत के लिए। तो भाई Xiaomi जरा ये फोन को जल्दी लॉन्च कर देना, और MI 8AC के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, क्या आप MI 8AC के लिए वेट कर रहे हो? मुझे लगता है कर रहे हो, तो कमेंट्स आपका, उत्तर मेरा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया है। अगर हाँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा भाई, इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो और सुमन को आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आज के मतलब निटुकुन आबाद देखा होगा अपने साथ वीडियो से, ततक्षण जन खूब भलो रखबें, खूब भलो रखबें सबाई के, धन्यवाद।